मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ना तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता है। और इसमें हम लगभग दो तीन वीडियो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारा टॉपिक हमने क्लियर कर चुका है ना। आज हम जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष का हमको क्या देखना है, निवारण देखना है भाई, है ना, कि मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है उसमें क्या क्या दोष था और उस दोष का निवारण आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से किया गया वो हम लोग जानते हैं भाई। इसमें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला दोष ये था कि वो अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को क्या कर दिया था जो है पहले, और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रख दिया गया था। तो इसका निवारण पहले करते हैं। तो अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा जाना। तो आपने उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको मैं बताया था कि मेंडलीव की जो क्या है हमारा आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले क्या कर दिया गया था भाई, रख दिया गया था, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या था हमारा दोष था, है ना, उनकी सीमा था। लेकिन उस दोष को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कर दिया गया, उसको दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले जो मेंडलीव का क्या था, जो आवर्त सारणी दिया गया था, मेंडलीव का जो क्या दिया गया था भाई, आवर्त जो सारणी दिया गया था, ये आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। किसके आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था, है ना, इसके आधार पर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जबकि आपको पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, कौन सा भाई हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोसले जी ने दिया है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, यह आधुनिक आवर्त सारणी आपका किसके आधार पर है हमारा, परमाणु क्रमांक के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। किसके आधार पर है? परमाणु क्रमांक। जैसे हम लोग उस समय देखे थे कि जो निकिल है और साथ में हमारा जो क्या है कोबाल्ट है, निकिल और हमारा क्या है कोबाल्ट की अगर हम बात करें, तो उस समय नियमतः जो है हमारा, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जैसे कोबाल्ट है और ये निकिल है, अब इसका मान लो 59 पॉइंट कितना आता है हमारा, इसका 9 है और इसका परमाणु भार 59 पॉइंट क्या है 7 है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में अधिक परमाणु जो भार वाले तत्व था कोबाल्ट, उसको पहले रख दिया गया था और कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखा गया था, जो कि उसकी सीमा था, उसकी गलती था। लेकिन चूंकि आपको ये पता चल गया आधुनिक आवर्त सारणी से कि हमारा जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो किसके आधार पर है भाई, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और आपको पता है कि ये जो कोबाल्ट होता है, इस कोबाल्ट का अगर हम देखें तो ये परमाणु क्रमांक 27 होता है और निकिल का क्या होता है परमाणु क्रमांक 28 होता है। तो उनके में जो दोष परमाणु भार के आधार पर था, वो क्रमांक के आधार पर बनाने के कारण अपने आप क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्योंकि हमारा आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है, और परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का 27 है और निकिल का कितना है हमारा 28 है। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, 27 पहले आता है 28 बाद में आता है, तो ऑलरेडी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो जो भी प्रॉब्लम था मेंडलीव के आवर्त सारणी में वो क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले जो रखा गया था वो किसके आधार पर रखा गया था, परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि हमारा आवर्त सारणी किसके आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो क्रमांक तो 27 पहले आ रहा है, 28 बाद आ रहा है, तो हमको उसके परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आधुनिक आवर्त सारणी क्रमांक पर है। तो ये क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने से जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो दोष था क्या हो गया, अपने आप समाप्त हो गया भाई। तो ये हो गया आपका पहले उसके दोष का निवारण। अब हम चलते हैं सेकेंड के पास, समस्थानिकों का स्थान नहीं, या समस्थानिकों का स्थान लिख देते हैं, समस्थानिकों का स्थान, या समस्थानिकों को क्या देखना है हमको, स्थान, इस स्थान। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये बताया गया था कि समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है,
समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा किसमें पता चला था हमको, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उसका क्या कर दिया गया, निराकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में उसका निराकरण कर दिया। पहले उसका निराकरण नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, है ना, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उसका निराकरण हो गया। कैसे निराकरण हुआ, आपको ये पता है कि समस्थानिक क्या होता है, तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, आपके समस्थानिक कहलाते हैं। चूँकि समस्थानिक के कितने भी तत्व हों, कितने भी समस्थानिक हो, उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एक ही होते हैं। क्या होते हैं उनके परमाणु क्रमांक भाई, एक तो ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, बदल कौन रहा है, हमारा भार बदल रहा है, तो हमको भार से मतलब नहीं है, हमको तो क्रमांक से मतलब है। और जितने भी हमारे समस्थानिक होते हैं सबका परमाणु क्रमांक क्या होता है, आपका एक ही टाइप का होता है। जैसे इसके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं और तीनों समस्थानिक का परमाणु क्रमांक एक है, तो अलग से जगह देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक है, मतलब उसको हाइड्रोजन को एक जगह मिल गया है, है ना। अब वो कितना भी परमाणु भार वाला रहे भाई, परमाणु भार कई ठो दिखाए, हमको क्या है, परमाणु क्रमांक एक है और उसको एक जगह ही दिया गया है। इसलिए चूँकि जितने भी हमारे समस्थानिक होते हैं सब में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं, इसलिए उनको अलग से जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया, बताया गया। सही बात है भाई, सबका परमाणु क्रमांक एक है, तो हाइड्रोजन को जबरदस्ती तीन चार जगह थोड़ी जगह देंगे जी, क्यों, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, एक है, तो एक ही जगह मिलेगा, है ना। इसका भी एक है तो वही होगा, ये भी एक है तो वही होगा, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आपका समस्थानिक है उसके लिए कोई जो है, या समस्थानिक के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक एक ही होता है, और एक परमाणु क्रमांक होने के कारण उसको एक ही जगह पर रखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ये जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो दोष था, जिसमें आवर्त सारणी के लिए वो कोई जगह नहीं बताया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उसको बता दिया गया भाई। कितना पॉइंट हो गया हमारा, दो पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर अगर हम चलें, तो उसमें जो है क्या है, एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया था, है ना। एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, एक ही वर्ग में रखा गया, है ना, रखा गया। तो मेंडलीव की जो क्या था हमारा आवर्त सारणी था, उसमें समान गुण वाले को नहीं, असमान गुण लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या लिखते हैं, इसमें असमान गुण, कौन सा गुण, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया था। कौन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं उनको एक ही वर्ग में रख दिया था। जैसे वर्ग नंबर हमारा कितना था, एक था, या समूह नंबर हमारा क्या था, एक था। इस समूह नंबर एक के दो भाग था, कितना भाग था, दो भाग, एक था 1A और एक था 1B। तो इसमें 1A में उन्होंने क्या रखा था, इसमें रखा था लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, और इसी वर्ग के अंतर्गत किसको रख दिया था, कापर को, है ना, चांदी को, उसके बाद सोना को। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे क्षार धातु होते हैं जबकि ये हमारा सिक्का धातु होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये जो हमारा क्या था, हमारा दोनों को एक ही साथ रख दिया गया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्षार धातु है, कापर, सिल्वर और ऑरिक, ये हमारा जो है सिक्का धातु है। तो पहले मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोनों को एक ही वर्ग में रख दिया था, 1A और 1B में, जो कि उचित नहीं था क्योंकि इनके गुण में क्या था, भिन्नता था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इनको अलग कर दिया गया, मतलब ये वाला जो तत्व था उसको अलग से वर्ग में जगह दिया गया, और ये वाला था उसको अलग से वर्ग में क्या कर दिया गया, जगह दे दिया गया। ये वाला था उसको हमारे वर्ग एक में रख दिया गया, जिसको आप पढ़ चुके हैं, और ये वाला था उसको वर्ग 12 में जगह दे दिया गया। तो पहले जो प्रॉब्लम था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया भाई। तो कितना निवारण कर लिया, वो तीन निवारण।
चलिए अब हम फोर्थ नंबर की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या होता है हमारा? फोर्थ नंबर ये है उत्कृष्ट गैसों का स्थान। किसका? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जो हमारे क्या हैं, गैस है, इसका स्थान भाई। ठीक है, तो लिख देते हैं उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट गैसों का स्थान। गैसों का क्या देखेंगे हम लोग? स्थान। तो उत्कृष्ट गैसों का स्थान की हम बात करें तो उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो 18वें समूह का जो भी तत्व है उनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान को रखा गया है। ठीक है, यही हमारे 18वें समूह के तत्व हैं जिसे नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। कौन से गैस भाई? नोबेल गैस। आप पहले भी पढ़ चुके हैं नोबेल गैस जो है वो 18वें समूह के तत्वों को कहते हैं। तो 18वें समूह के तत्वों को, जिसे हम लोग शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। इस शून्य समूह को पहले कोई जगह नहीं दिया गया था इसके मेंडलीव के आवर्त सारणी में, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें भाई हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी में इनको जगह दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में जगह दिया गया। कहाँ पर जगह दिया गया? तो इनको जगह दिया गया आपका बहुत ज़्यादा, मतलब अधिक धनात्मक तत्व, अधिक क्या होता है हमारा? धन विद्युती तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, अधिक धन विद्युती तत्व, है ना, लिखते हैं हम लोग अधिक धन विद्युती तत्व, अधिक धन विद्युती तत्व, धन विद्युती तत्व। धन विद्युती मतलब जो ज़्यादा धन आयन बनाते हैं, जो धातु प्रकृति के होते हैं उसको बोलते हैं अधिक धन विद्युती तत्व। कौन सा? क्षार धातु, क्षार धातु, और एक होता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, जिसको वर्ग एक में और वर्ग दो में आपने क्या किया है, इसको पढ़ा है, हमने आपको बताया है। किसमें बताया है? वर्ग एक के तत्व को बोलते हैं क्षार धातु और वर्ग दो के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? धन विद्युती लक्षण वाले होते हैं, धनात्मक वाले होते हैं उनके बीच में। और साथ ही आपका अधिक ऋण विद्युती तत्व, अधिक ऋण विद्युती तत्व, ऋण विद्युती तत्व, विद्युती तत्व, अधिक ऋण विद्युती तत्व मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारे 17वें समूह का तत्व है। कौन सा समूह का जी? 17वें समूह का तत्व है। तो ये जो 17वें समूह का तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व है। क्या तत्व है हमारा? बहुत ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही लेता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अष्टक पूर्ण करने से एक कदम क्या है? पीछे है। आपको पता है ना, हमारे जितने भी केमिस्ट्री में जो भी तत्व यौगिक बनाते हैं उसका मेन मकसद होता है 18वें समूह के जैसा बनना, क्योंकि 18वें समूह के जो अंतिम कक्षक है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट है। और इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बाकी तत्व इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हीलियम को छोड़ दो, हीलियम में 2 होता है, आपको आधे बोल सकते हो। तो बाकी तत्व अपने अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जो डोनेट करते हैं वो धन आयन वाले होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं वो ऋण आयन वाला होते हैं, है ना। और इसी वजह से आपको धन और ऋण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, टीटीने रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे? अधिक ऋण विद्युती तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये 17 होता है इसका वर्ग क्रमांक। तो इसको सिंपल अगर हम देखें उसके 2, 8, 18, 18 के हिसाब से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनता है? 2, 8 और 7 बनता है। 2, 8 और कितना बनता है 7, 2, 8 हो गया और 7, अंतिम में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी से क्या करता है, ये ले लेता है, वैसे ही इसका 8 कंप्लीट हो जाता है। इस कारण से ये अधिक ऋण विद्युती तत्व के अंतर्गत आते हैं। और सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में वो किसका होता है हमारा? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आप कई के मन में क्वेश्चन आता है, सर वो 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है, एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेता है? अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट
हीट करें ना तो उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो तत्व ही नहीं रहेगा, ऐसे मान सकते हैं। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है और अपना आर्ट कंप्लीट करता है। तो उन्हीं दोनों के बीच में 18वें समूह के तत्वों को क्या दिया गया है, जगह दिया गया है। देखो 18वें के बाद आता है पहला समूह, इसे क्षार धातु कहते हैं, और 18वें से पहले आता है 17वें समूह। तो उन दोनों के बीच में, वर्ग 1 के बीच में और वर्ग 17 के बीच में शून्य समूह के तत्वों को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो इस तरीका से, चूंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई जगह नहीं था, जो कि जगह यहाँ पर क्या हो गया है, उनको मिल गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से उनको जगह मिल गया भाई। कितना पॉइंट हो गया, 4th पॉइंट। अगर हम 5th पॉइंट की ओर चलें तो ये होता है विकर्ण संबंध। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ भाई, विकर्ण संबंध। कौन सा संबंध? विकर्ण संबंध। अब ये जो विकर्ण संबंध होता है, ये क्या होता है, हम परिभाषा कर चुके हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता विकर्ण संबंध कहलाता है। और विकर्ण में जो संबंध होता है, ये संबंध आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अबाउ के नियम के अनुसार हम लोग किए थे, है ना, उसके अनुसार, और साथ ही साथ आपका परमाणु जो त्रिज्या होता है, परमाणु क्या होता है हमारा, त्रिज्या, इन दोनों के संबंध के आधार पर विकर्ण संबंध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है। किसके किसके आधार पर भाई? एक होता है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, और दूसरा होता है परमाणु त्रिज्या में जो संबंध होता है उसके आधार पर विकर्ण संबंध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 5 पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और वो लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है हमारा दुर्लभ मृदा धातुओं का स्थान, है ना। तो 6वां नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, दुर्बल। क्या लिखेंगे भाई? दुर्बल, दुर्बल, है ना, दुर्बल नहीं जी, दुर्लभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ मृदा धातु, मृदा धातु का स्थान या को स्थान, ठीक है। तो दुर्लभ मृदा धातु को, यहाँ पर धातु लिख देते हैं, तो दुर्लभ मृदा धातु को क्या करना है, स्थान। दुर्लभ मृदा धातु किसको कहते हैं, तो आपको मैं बताया था इसके अंतर्गत दो पॉइंट आता है, एक एक्टिनाइट और एक होता है हमारा लेंथेनाइट। एक हमारा क्या होता है भाई, एक्टिनाइट, एक्टिनाइट, और एक होता है लेंथेनाइट, लेंथेनाइट। तो ये जो एक्टिनाइड होता है और जो लेंथेनाइड होता है, आपको मैं बताया था 14 तत्व होता है इसके अंतर्गत। कितने कितने तत्व होते हैं भाई हमारे? 14 तत्व होते हैं। एक्टिनाइड में भी 14 तत्व होता है और लेंथेनाइड में भी क्या होता है हमारा? 14 तत्व होता है। तो इन दोनों 14 तत्वों के बारे में, लेंथेनाइड के बारे में और एक्टिनाइड के बारे में, कहाँ पर उनको जगह मिलना चाहिए, ऐसा मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं बताया गया था। उनके लिए जगह क्यों नहीं बताया था कुल मिला के, एक्टिनाइड के बारे में और लेंथेनाइड के बारे में। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनमें इनको क्या किया गया, स्थान दिया गया। किसमें दिखाया गया भाई हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी में हमारा जो लेंथेनाइट है और जो एक्टिनाइट है, उनको स्थान दिया गया। कहाँ पर स्थान दिया गया? तो पीरियोडिक टेबल के जो नीचे है, है ना, वहाँ पर इनको अलग से क्या दिया गया, स्थान दिया गया, जिसको हम किस ब्लॉक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर उसको जगह दिया गया है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो काम नहीं कर पाया था, उनके जो सीमा था, उनको क्या कर दिया गया है भाई, इस प्रकार से दूर किया गया। तो ये तो हो गया आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों का निवारण। कितना पॉइंट में पढ़े हम लोग? 6 पॉइंट में पढ़ लिए, ठीक है, ओके। अब हम कहाँ चलते हैं? आगे के पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए आगे के पॉइंट की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का कैसे क्या किया जाता है, IUPAC नामकरण किया जाता है, ये हमको देखना है। अब यहाँ पर जो IUPAC होता है, IUP, उसके बाद क्या है, AC, IUPAC, ठीक है। IUPAC एक हमारा इंटरनेशनल नामकरण की क्या है भाई, पद्धति है, जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में ये नामकरण क्या की जाती है,
प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसका अगर हम फूल रूप देखें, मूल रूप देखें, आगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही, तो मूल रूप अगर हम देखें तो यहाँ पर आई का जो मतलब होती है ये होती है आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, यू का क्या होती है भाई, यूनियन। पी का होता है हमारा प्योर। ए का होता है अप्लाइड, एप्लाइड। और लास्ट सी का होता है आपका केमिस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम है, बाद में हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेकिन आ गया तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि आईपीएससी नाम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ये हमारा होता है आईपीएससी नाम। अब ये जो आईपीएससी नामकरण जो है, 100 से अधिक हम किस प्रकार से करते हैं। 100 से पहले वाला का नामकरण हम जानते हैं, उसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है या जो साइंटिस्ट उसको खोजा है उसके नाम के आधार पर है। लेकिन 100 से बाद के जो तत्व है ना, उनका नाम थोड़ा सा अलग है भाई। तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं वो हम अभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वैसे आपको ये भी पता है कि अभी तक हम जो है लगभग 118 तत्वों की खोज क्या कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। 118 तत्व हम लोग क्या कर चुके हैं भाई, खोज कर लिए हैं, है ना। 18 तत्व, 18 एलिमेंट्स हम लोग खोज कर चुके हैं, जिनमें से हमारा कुछ तत्व प्राकृतिक रूप से है और कुछ कृत्रिम रूप से हैं। जिनमें आपका जो है 90 जो 2 होता है, 92 के जो बाद वाले तत्व होते हैं, इसको हम जो है क्या बोलते हैं, संश्लेषित तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संश्लेषित तत्व कहा जाता है, है ना, 92 के बाद। क्योंकि 92 किसको है ये भी आपको जानते हैं, 92 होता है हमारा यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और परमाणु भार 238 कर देते हैं, कई समस्थानिक वाला होता है तो हम 238 को लिए हैं। तो 92 के बाद के जो तत्व आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषित तत्व के नाम से जानते हैं। कृत्रिम तत्व बोल सकते हैं इसको आप, क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम तत्व, जिसको बनाया गया है, है ना। तो इस प्रकार से इसको संश्लेषित तत्व के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो तत्व है वो यूरेनियम के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है हमारा, यूरेनियम के। इस कारण से इसे ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम तत्व के भी नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्यों, क्योंकि 92 के बाद जो तत्व आते हैं वो सब यूरेनियम के बाद आ रहे हैं, इस कारण इसे हम ट्रांस यूरेनियम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम 100 से ऊपर की बात करें, 100 होता है फर्मियम, जिसका फार्मूला होता है Fm। क्या होता है इसका फार्मूला हमारा, Fm होता है फर्मियम जिसको बोलते हैं। तो 100 से अधिक जो तत्व होते हैं उनका जो नाम है उसे हम फर्मियम के बाद आने के कारण इसे हम जो है ट्रांस, है ना, फर्मियम, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर्मियम तत्व के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर्मियम कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार फर्मियम के बाद आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्मियम, फर्मियम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, एली क्या बोलते हैं इसको, मेंट्स कहा जाता है। क्यों, कि 100 होता है फर्मियम का और फर्मियम के जो बाद आता है उस फर्मियम के बाद आने वाले तत्वों को, फर्मियम के बाद आ रहा है इसलिए इसको जो है ट्रांस फर्मियम एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीका से इसका कुछ क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो 100 के बाद के जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, 100 के जो क्या है हमारे बाद के एलिमेंट हैं, उसका नामकरण करने के लिए कुछ क्या दिया गया है, नियम दिया गया है। और उसी नियम के आधार पर उन तत्वों का क्या किया जाता है भाई, आईपीएससी नामकरण किया जाता है। ये नामकरण लगभग एक बार जो है 1994 में, कितना में हमारा, 1994 में लगभग 100 जो है बोल सकते हैं 100 से लेकर के या 100 से ऊपर से लेकर के लगभग 104 तक के तत्वों का आईपीएससी नामकरण किया गया। और बाद में उधर 104 से लेकर के आगे 109 तक के तत्वों का 1997 में नामकरण करने के लिए कुछ क्या किया गया, नियम दिया गया। तो हमको मेन ये जानना है कि 100 से अधिक जो तत्व है उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण
प्रकरण करते हैं ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 100 से अधिक तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो 100 से है ना, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का क्या देखेंगे भाई हम लोग, नामकरण कैसे करना है, कैसे आपको जानना है, तो हमको नामकरण करते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत क्या है, ज़रूरत है। पहले चीज़ तो आपको किसको किसको क्या बोलते हैं ये आपको क्या करना है, जानना है, तब जा कर के क्या कर सकते हैं हम लोग, नामकरण कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या बोला जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बोला गया है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर 1 के लिए अलग यूज किया गया है, 2 के लिए अलग यूज किया गया है, 3 के लिए अलग यूज किया गया है, 4 के लिए अलग यूज किया गया है, तो उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर 1 से अधिक जो हमारे क्या होते हैं, 100 से अधिक तत्वों का नाम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 को बोलने के लिए यहाँ पर नील का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नील, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, NIL, ये नील का प्रयोग करते हैं। तो 0 को क्या बोलते हैं, यहाँ पर नील कहा जाता है। 1 की बात करें तो 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं। 2 की बात करें तो इसको बाई बोलते हैं। 3 की बात करें तो इसको ट्राई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 की बात करें तो इसको क्वाड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, क्वाड। ठीक है, 5th की बात करें तो इसको पेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, पेंट। 6th की अगर बात करें तो इसको हम लोग हेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर अगर और आगे अगर पहुँच जाया जाए तो यहाँ पर और आगे को इस प्रकार से क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम संकेत को लिखेंगे भाई। किसको लिखेंगे, संकेत दर्शाते कैसे हैं उसको हम लोग लिखते जाएंगे। आगे अगर हम पहुँचते हैं तो आगे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो हमारा नंबर जो 6 है, 6 के बाद कौन आ रहा है भाई, हमारा 7 आ रहा है, तो 7 को बोला जाता है हेप्ट, क्या बोला जाता है हमारा, हेप्ट। 8 को बोला जाता है हमारा कौन सा, हमारा ऑक्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 को बोलते हैं हमारा इन कहा जाता है। और लगभग इस प्रकार से 0 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 9 तक के नाम को इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर यहाँ पर क्या है हमारा, 0 आए तो नील बोलेंगे, 1 आए तो अन बोलेंगे, 2 आए तो बाई बोलेंगे, 3 आए तो ट्राई बोलेंगे, 4 अगर आता है हमारा तो क्वाड यूज करते हैं, 5 आता है तो पेंट यूज करते हैं, 6 आता है तो एक्स यूज करते हैं, 7 आता है तो हेप्ट यूज करते हैं, 8 आता है तो ऑक्ट यूज करते हैं, 9 आता है तो 9 हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। इसको दर्शाएंगे तो जितना भी स्टार्टिंग है उसका स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, इसको एन से, इसको यू से, इसको बी से, इसको टी से, इसको क्यू से, इसको पी, छोटा वाला पी से, है ना, ये हो जाता है छोटा पी। ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा एच से, इसको हम लोग बोल सकते हैं एच से, ये हो जाता है ओ से, और ये हो जाता है ई से। तो इस तरीक़ा से ये हमारे कुछ क्या हैं, नाम हैं, और इन नाम के आधार पर 100 से अधिक तत्वों का क्या किया जाता है, आपका नामकरण किया जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी नामकरण करते हैं तो लास्ट में जो नाम आता है या लास्ट में जो भी नंबर आता है उस नंबर के साथ एक सफिक्स जोड़ दिया जाता है, ईएम, क्या जोड़ दिया जाता है, ईएम, है ना, ये सफिक्स के रूप में लिखा जाता है। कैसे करते हैं मैं उसको अभी आप करके बता रहा हूँ। जैसे हम 101 का नामकरण करते हैं, कितना का नामकरण करते हैं, 101 का, तो यहाँ पर एक सफिक्स जोड़ा जाता है ईएम भाई, ईएम, ये हमारा ईएम क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब जिसको बाद में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 101 का नामकरण अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे 101 का नामकरण करेंगे तो इसमें 101 आ रहा है तो 1 को क्या बोलते हैं भाई, अन बोलते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अन। उसके बाद 0 आ रहा है, 0 को क्या बोलते हैं भाई, हमारा नील, तो ये नील हो गया। उसके बाद फिर 1 आ रहा है भाई, तो 1 को क्या बोलते हैं, अन, तो यहाँ पर क्या हो गया, अन नील अन हो गया ना, क्या हो गया हमारा, ये अनिल अन हो गया। तो आपको इसको इस प्रकार से करना है। तो पहले 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन। उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्या है हमारा भाई, दूसरा नंबर है हमारा 0, 0 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नील,
है ना। उसके बाद फिर से क्या है भाई, यहाँ पर फिर से दिया गया है आपको, वो दिया गया है अन। क्या दिया है? अन। क्यों? देखो, वन को बोलते हैं अन, तो हमने लिख दिया अन। जीरो को बोलते हैं नील, तो हमने लिख दिया जील। और लास्ट में अन है, तो जो लास्ट वाला हमारा जो भी हमारा क्या आता है, संख्या आता है, उसी में आपको सफिक्स क्या लगाना है, ईएम को लगाना है। तो यहीं पर हम क्या लगा देते हैं, ईएम को लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, अनिल अनियम, अनिल अनियम। ये किसका नाम हो गया हमारा, परमाणु क्रमांक 101 वाला का। अब इधर आगे हम बढ़ें तो 102 का अगर हम पहुंच जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, अन, फिर क्या बोलेंगे, नील, और दो को क्या बोलते हैं, बाई, है ना। तो बाईयम, बाईयम, उसमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, अनिल बाईयम, अनिल बाईयम। इस प्रकार से अगर हम 103 में चलते हैं तो 103 में क्या हो जाएगा भाई हमारा, अन, फिर क्या हो जाएगा, नील। नील के बाद तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई, तो वाई एम लगा देंगे, तो वन नील ट्राइयम, क्या बोलते हैं, अनिल ट्राइयम। तो ऐसे करके आपका इधर आगे कहाँ तक चल सकते हैं भाई हम, 19 तक चल सकते हैं। अब इसका अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अन, फिर क्या बोलेंगे, नील, और नाइन को क्या बोलते हैं हमारा भाई, नाइन को बोला जाता है इनियन, इन लिखेंगे, और वाई लास्ट में क्या लगा देंगे, एम। तो इसका नाम क्या हो जाता है, अनिल इनियम। इस प्रकार से बोल सकते हैं। आगे अगर हम कहाँ चलते हैं हमारा, 111 में जाते हैं, तो 111 में क्या लिखेंगे, अन, फिर अन, फिर क्या लिखेंगे, अन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएम। तो ये हो जाएगा अन 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 अनियम। अगर हम इधर आगे 115 में चल दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन, फिर क्या बोलेंगे भाई, अन, और पाँच को क्या बोलते हैं, पेंट, और पेंट में क्या लगाएंगे, ईएम, तो पेंटियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन अन पेंटियम। इसी प्रकार से अगर हम 118 के पास पहुंच जाएं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अन हो गया, उसके बाद फिर अन हो गया, फिर अन अन दो बार हो गया। ऑक्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं, ईएम लगा दो, तो ऑक्टियम। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, 101 के बाद जितने भी तत्व होता है उसका नामकरण इसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, इसका नामकरण किया जाता है। आप 110 का, 11 का, जिसका लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मान लो 108 का लिखना है तो 108 का लिखने की ज़रूरत, अगर हम 6 लिख लेते हैं मान लो, यहाँ पर 100 कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो 106 ले लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, अन हो गया, फिर नील हो गया, और सिक्स को क्या बोलते हैं, हेग्ज बोलते हैं, और यम लगा देते हैं तो हेग्जियम। तो इस तरीका से 101 से लेकर के 118 तक के तत्वों का नामकरण इसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, किया जाता है, और सब आईपीएसी नाम को प्रदर्शित करता है भाई। और आपके पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे इस प्रकार से लिखा रहता है, एन एन यू, इस प्रकार से। तो इन सब का मान मतलब यही होता है कि इस नंबर के जो भी तत्व होते हैं उनका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है ना, या करते हैं। आपको देखना, इस टाइप का आपको देखने का मिलेगा। तो अन अन मतलब समझ जाओ, अन अन मतलब दो बार वन वन है, ठीक है, यू है मतलब एक और वन है। तो इन सब का आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दिया गया है, और उनका नाम इसी टाइप से किया जाता है। तो ये हो गया 100 से अधिक जो तत्व हैं उनका नामकरण इसी के आधार पर किया जाता है भाई। तो आप समझ गए होंगे, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, जानना है। आगे दिया है तत्वों के आवर्ती गुण। किसके आवर्ती गुण? तत्वों के आवर्ती गुण। आपको देखो, बहुत सारा चीज़ हम पहले क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, जैसे अभी हमारा जो आधुनिक जो आवर्त नियम है, आधुनिक क्या है भैया हमारा, आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम आपने पढ़ा है। आधुनिक आवर्त नियम क्या पढ़ा है भाई, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और कौन सा गुण, रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, है ना। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, परमाणु क्रमांक के क्या है हमारे, आवर्ती फलन है, आवर्ती क्या है हमारा, फलन है।
तो इस प्रकार से आप जो है अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जानते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम यही कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी को क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। और आवर्ती तत्वों के आवर्ती गुण का तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, तत्वों के क्या है हमारा आवर्ती गुण, तत्वों के आवर्ती गुण मतलब बोल सकते हैं कि तत्वों के गुणों में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति क्या कहलाता है, तत्वों के आवर्ती गुण कहलाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि तत्वों के है ना, तत्वों के गुणों में निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति क्या कहलाता है हमारा भाई, तत्वों के आवर्ती गुण कहलाता है। तो एक सिंपल सम परिभाषा तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि तत्वों के आवर्ती गुण क्या होता है। तो तत्वों के आवर्ती गुण ये होता है कि तत्वों के गुणों में निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, वही तत्वों के आवर्ती गुण कहलाता है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि तत्वों के जो आवर्ती गुण होता है उसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। किसे होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसका संबंध होता है। और वर्गों में या आवर्तों में दाएं से बाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर उनके गुण में क्या होता है हमारा, परिवर्तन होता है। तो ऐसे भी आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, तत्वों के जो आवर्ती गुण है इसका मतलब क्या होता है। तो तत्वों के आवर्ती गुण है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। और आवर्त सारणी में वर्ग या आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर या दाएं से बाएं जाने पर गुणों में क्या होती है, आपकी परिवर्तन होती है, है ना, आवर्त सारणी के संबंधित होते हैं। और आवर्त सारणी में है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अथवा आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर गुणों में क्या होती है भाई परिवर्तन होती है। इसे ही है ना, तत्वों के आवर्ती गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होती है। और आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर या आवर्त में बाएं से जाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसी को तत्वों की आवर्ती गुण कहते हैं या आवर्ती गुण कहते हैं। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, तत्वों के जो आवर्ती गुण है उसको इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वर्गों की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उस स्थिति में हम देखे हैं, जैसे पहले वर्ग की बात करें तो पहले वर्ग में क्या होते हैं, मलीना के रब से फरियाद। तो यहाँ पर पहले वर्ग की ही बात करें तो आपने देखा होगा
कि हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे आते हैं, आकार क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब उसमें धात्विक गुण में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। ये सब हम पहले क्या कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं। धात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है ना। उसके अलावा आपको ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण तो बढ़ेगा ही, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। ये सब हम पढ़ते जाएंगे भाई, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। या ये बोल सकते हैं कि दाएं से अगर हम क्या करते हैं, बाएं की ओर क्या करते हैं आपका, बढ़ते जाते हैं। दाएं से किधर बढ़ते हैं, बाएं की ओर बढ़ते हैं, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इधर हम बढ़ते जाएं तो आकार क्या होते जाता है आपका, छोटे होते जाता है। और छोटा होने का मतलब है कि यहाँ पर दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में है ना, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों में क्या होता है, परिवर्तन आपको दिखाई देता है। तो इस तरीका से ये परिवर्तन ही आपका तत्वों में क्या कहलाता है आपका, आवर्ती गुण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या आवर्ती गुण के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं, और आने वाला जो वीडियो है ना, या आने वाला जो क्लास है, उसमें हम लोग जो है आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई।